सब्सक्राइब करें जीत स्टॉक चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो के लिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीत बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीत स्टॉक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आप कैसे बिना डाटा केबल के या बिना कार्ड रीडर या बिना यूएसबी के आप अपने लैपटॉप का जो डाटा है वो आप अपने स्मार्टफोन में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिना डाटा केबल के यूज किए अपने मोबाइल में डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं लैपटॉप से। ये आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे पॉसिबल है। हाँ दोस्तों यह पॉसिबल है। इसमें आप बिना डाटा केबल को कनेक्ट किए या बिना जो कार्ड रीडर होता है कार्ड उसके या ओटीजी केबिन के बिना ही आप इसमें अपना जो सारा डाटा है वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि यह कैसे करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सो हे गाइस, दिस इज जीत एंड वेलकम टू ऑल इन जीत स्टॉक। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम कैसे बिना डाटा केबिन का यूज किए अपने लैपटॉप का डाटा जो है मोबाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और मोबाइल का जो भी डाटा है उसे हम लैपटॉप में ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। तो आप हमारी वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिए और हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो को देखने के लिए और वह सब कुछ देखिए कि कैसे डाटा जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले इसके लिए अपने मोबाइल में एक्स जेंडर को खोलना होगा। जेंडर आपने यदि पहले से डाउनलोड किया है तो आप उसको सीधा ओपन कर लीजिए, नहीं तो इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप जेंडर को ओपन करने के बाद आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे लॉगिन वाला जो ऑप्शन होगा यहां पर जाएंगे। इसमें जाने के बाद दोस्तों आप नीचे की साइड जाएंगे मोर में। मोर में जो सेटिंग है, मोर में सेटिंग जाने के बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा कनेक्ट टू पीसी। इस कनेक्ट टू पीसी पर आप जो है क्लिक करेंगे। कनेक्ट टू पीसी पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे लास्ट में जो एक ऑप्शन दिखेगा क्रिएट हॉटस्पॉट। आप जैसे ही क्रिएट हॉटस्पॉट पे कनेक्ट करेंगे तो आपका जो हॉटस्पॉट है वो कनेक्ट हो रहा है, हो गया है और जो एक आईपी एड्रेस है वो जनरेट हुआ है जो है 192.168.431:33455। ये जो है ये आईपी एड्रेस आपका जो है जनरेट हो गया है। इसके बाद दोस्तों आपको अपने लैपटॉप में गूगल क्रोम को ओपन करना होगा। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद ये जो आईपी एड्रेस है ये आपको अपने गूगल क्रोम में फिल करना होगा। सेम यही जो था HTTP ये सब लिखना पड़ेगा। तो मैं अपना आईपी एड्रेस अपने लैपटॉप में डाल रहा हूँ, तो आप भी देखिए। दोस्तों जो आईपी एड्रेस मेरा, मैंने ये आईपी एड्रेस जो है फिल कर दिया है। अब इसको मैं सिंपली क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे आपके पीसी में एक जेंडर की जो स्क्रीन होती है वह ओपन हो चुकी होगी और आप अपने मोबाइल में भी सेम टाइम देखेंगे यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आई है। आपको इसको एक्सेप्ट करना है कि डिक्लाइन करना है। तो आप इसको अगर एक्सेप्ट करेंगे तो आपका जो मोबाइल और लैपटॉप का है वह कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं यहां से एक्सेप्ट करूंगा और अपने लैपटॉप में ऑटोमेटिक जो है एक्सेप्ट हो जाएगा। मैंने यहां पे एक्सेप्ट किया। अब आप देखेंगे जो अपना जेंडर है यह अपने लैपटॉप में ओपन हो चुका है। आप देख रहे होंगे कि यहां पे ये गैलरी है, म्यूज़िक है, वीडियोज़ है, डॉक्यूमेंट फाइल्स हैं, ये फाइल्स हैं, इंटरनल SD कार्ड ये सब शो कर रहा है। और आप इसमें भी देखेंगे तो इसमें अपना जो है देखो ये लिख के आ गया कंप्यूटर कनेक्टेड, डायरेक्ट मोड पर है और कंप्यूटर कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आप इस पर
अपना कुछ भी ओपन करेंगे यदि मोबाइल में, जैसे मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ओपन की और आप देखेंगे कि हमारे लैपटॉप में ऑटोमेटिक जो है पिक्चर ओपन हो चुकी है। जैसे मैंने बैक किया, मैं और दूसरी पिक्चर जैसे ले रहा हूँ, मैंने ये पिक्चर ओपन की, आप देख रहे होंगे लैपटॉप में ओपन हो चुकी है डायरेक्ट। अब बात आती है कि आप अपने लैपटॉप से अपने मोबाइल में डाटा कैसे डालें या मोबाइल का डाटा लैपटॉप में कैसे डालें। तो आपको लैपटॉप में डालने के लिए क्या करना है, आप अपने जैसे आपको कोई गैलरी की फ़ोटो है वो मोबाइल में डालनी है, तो आप सीधा गैलरी में, जैसे मैंने कोई भी एक फ़ोटो चूज़ कर ली है, आप देख रहे होंगे जैसे मैंने ये वाली जो फ़ोटो है इसको चूज़ किया। इसके बाद यदि आपको यह जो मोबाइल की जो फ़ोटो है ये आपको अपने लैपटॉप में चाहिए है, तो सीधा ये नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है, या फिर इस फ़ोटो को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ ऊपर की साइड जाएंगे तो यहाँ भी डाउनलोड का एक ऑप्शन आता है। मैं यहाँ इसको सिलेक्ट करके यहाँ भी कर सकता हूँ और यहाँ नीचे की साइड भी डाउनलोड कर सकता हूँ। तो मैं ऊपर करके दिखाता हूँ, मैंने यहाँ किया और जो ये पिक्चर है ये डाउनलोड हो चुकी है और ये अब हमारे मोबाइल फ़ोन में आ चुकी है, लैपटॉप में आ चुकी है सॉरी। इसके बाद दोस्तों जैसे मैं दूसरी कोई पिक डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ, इसके बाद दोस्तों मैं कोई दूसरी पिक डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि मेरी यह पिक है। अब इस पिक को मुझे अपने जो है लैपटॉप में डाउनलोड करना है, तो मैं इसको सीधा डाउनलोड पर जाऊंगा और आप देख रहे हैं कि ये जो पिक है ये हमारी लैपटॉप में आ चुकी है। अब आप सोच रहे हैं कि ये किस फोल्डर में आई होंगी, तो ये जो डाउनलोड ऑप्शन आता है ना उसमें आई होंगी। माय सिस्टम में जाएंगे, इसके बाद डाउनलोड में जाएंगे, तो आप देख रहे होंगे कि मैंने जो देखो पिक्चर डाउनलोड की थी, एक ये है और एक ये है, ये आ चुकी हैं दोनों अपने सिस्टम में। इसके साथ साथ दोस्तों आप इसमें अपनी कोई वीडियो जो है, जैसे आपको कोई वीडियो अपने मोबाइल से इंपोर्ट करनी है अपने इसमें, तो आप वीडियो भी कर सकते हैं। वीडियो के साथ साथ आप कोई म्यूज़िक भी कर सकते हैं, अपनी फाइल्स भी कर सकते हैं। तो मैं जैसे कि मैं इस पे जाके अपनी कोई एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो है जो उसको कर रहा हूँ, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब इसको मुझे अपने लैपटॉप में लाना है, तो यहाँ सीधा डाउनलोड पर क्लिक कर दूँगा। ये तो दोस्तों फ़ोटो हुई है, इसके मैं वीडियो दिखा रहा हूँ आपको। जैसे मैंने ये इस मिडिल वीडियो को सिलेक्ट किया, अब डाउनलोड कर दूंगा, तो हमारी जो वीडियो है वो हमारे लैपटॉप में आ चुकी है, देख रहे हैं ये मेरी मिडिल वीडियो है। इस प्रकार आप अपने लैपटॉप में अपने मोबाइल का डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना OTG केबिन की मदद के। इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि अब हम अपना लैपटॉप का डाटा मोबाइल में कैसे स्टोर करें। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने लैपटॉप में जैसे कि आपको फाइल मैनेजर में गए, फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको जैसे है एडिट फोल्डर, इस फोल्डर में आपको कोई भी डाटा इंसर्ट करना है, तो इस फोल्डर को ओपन करने के बाद आप अपलोड फाइल पर क्लिक करेंगे। अपलोड फाइल पर क्लिक करने के बाद जैसे कि आपको ये वाली जो पिक है ये अपने मोबाइल में लानी है, तो इसको सीधा है ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप देख रहे होंगे दोस्तों मोबाइल में जेंडर जो है ओपन है, ये जो पिक है ये अपने मोबाइल में आ चुकी है, यह मैंने अब भी आपके सामने जो है लैपटॉप से मोबाइल में डाली थी, तो ये लैपटॉप की पिक मोबाइल में अपलोड हो गई है। इसी प्रकार यदि आप चाहें तो आप कोई भी वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस माय वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि इस और यह जो प्रोसेस होती है बहुत फास्ट वर्क करती है, इसमें आप बड़ी से बड़ी फाइल को जो है बहुत ही इजीली जल्दी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि मैंने अपने लैपटॉप से एक वीडियो इंसर्ट की है, आप देख रहे होंगे कि ये मेरे बचपन की फ़ोटो को कॉलैप करके वीडियो बनाई हुई है मैंने, तो ये जो वीडियो है यह मैंने अपने लैपटॉप से अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र कर दी है। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपने बिना OTG केबल की मदद के मोबाइल का डाटा लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और लैपटॉप का जो डाटा है वह मोबाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और यह आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। यदि आपके पास कभी डाटा केबल नहीं होती है तो आप उसके बगैर भी कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो है आप इसको डिसकनेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ आप कैंसिल वाले ऑप्शन पर जाएंगे, इसको आप डिसकनेक्ट कर देंगे, तो आपका जो जेंडर है
वो पूरी तरह से डिसकनेक्ट हो गया। अब आप कोई भी फाइल ना तो ट्रांसफ़र कर पाएंगे ना सेंड कर पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपना डाटा जो है लैपटॉप का डाटा मोबाइल में और मोबाइल का डाटा लैपटॉप में डाल सकते हैं बिना OTG केबल की मदद के। तो दोस्तों आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले आ सकें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं डेली आप तक एक नई और टेक्नोलॉजी से जुड़ी अच्छी वीडियो आप तक डेली शेयर करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।